नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं। एक सवाल आया था कि हमको जिंदगी में वो चीज़ कभी नहीं मिलती जो हम मांगते हैं, क्यों ऐसा? हम जो चाहते हैं, हम जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम चाह कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रख रहे हैं, वो चीज़ हमको क्यों नहीं मिलती है? ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका बस यही उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। हमको वो चीज़ इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारी सिर्फ चाह है, हम सिर्फ मांग रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है क्या? हमारा विश्वास है क्या साहब? हमारा विश्वास नहीं है साहब। याद रखिएगा, हम ऊपर से तो बोल रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन अंदर से हमारा विचार गर्मागा रहा है, अंदर से हमारा विचार, हमारा बिलीफ सिस्टम गर्मागाता है। और जब हमारा बिलीफ सिस्टम गर्मागाता है तो हमें वो रिजल्ट पॉजिटिव की जगह रिजल्ट निगेटिव आने लगता है। तो याद रखिए, अंदर से देखिए, अंदर से। बाहर से तो आप बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही है, वो कहता है यार ऐसा होगा क्या? सचमुच में ऐसा होगा? कैसे होगा यार? अंदर से वो आवाज़ आती है, और जब वो अंदर से वो आवाज़ आती है तो आपको रिजल्ट वही आता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम मांग रखते हैं, लेकिन मांगने का मतलब मिलना जरूरी नहीं है। मांगने का मतलब है अंदर से बिलीफ सिस्टम भी वैसा होना चाहिए साहब। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि द सीक्रेट है काम नहीं करता है साहब। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मैनिफेस्ट है, हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग गुनगुना रहे हैं, लोगों ने बोर्ड लगा दिया, सब कुछ कर दिया है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो चीज़ उनको नहीं मिलती है। और इसलिए नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अंदर से विचार स्ट्रांग नहीं है साहब, उसका जो कन्विक्शन है वैसा नहीं हो रहा है। तो याद रखिए, जो भी मांग रहे कन्विक्शन के साथ मांगिए, कन्विक्शन के साथ मांगिए, आपको मिलेगा ही। और अंदर से बोलिए कि ये मिलने ही वाला है। जैसे वो कहानी थी, एक बहुत ज़बरदस्त कहानी थी, आपने शायद वो कहानी आपको पता होगी। बहुत सारे लोग हैं गांव में, बारिश नहीं हो रही थी, सब लोग जाते हैं, लेकिन एक बच्चा छतरी के साथ जाता है। लोग बोलते हैं अरे छतरी क्यों लिया? बोले अगर हम प्रार्थना करेंगे बारिश के लिए, अगर हम प्रार्थना करेंगे और अगर बारिश हो गई तो मैं क्या भीज के आऊँगा क्या, मैं क्या भीज कर आऊँगा क्या? तो ये जो विचार है, ये विचार जो होता है, इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना जो विचार है उसको स्ट्रांग करना है, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना है, और इसी तरह से आपको अपने जीवन में जो आप चाहते हो उसको मांग सकते हैं आप। क्योंकि आप मांग भी रहे और अंदर से भी, दोनों तरफ से वो होना चाहिए, मांगना और कन्विक्शन, मांगना और बिलीफ सिस्टम दोनों होना चाहिए। हम ही अपने विचारों को काट रहे हैं साहब, हम ही हमारे विचारों को काट रहे हैं। तो हमें अपने विचारों को नहीं काटना है साहब, हमारे विचारों को जोड़ना है। तो आप इसी तरह से कन्विक्शन के साथ जो मांग रहे हैं, कन्विक्शन के साथ मांगिए, पूरे भक्ति के साथ मांगिए कि बस मिलने वाला है। भले ही आज पोजीशन कैसा भी है, भले ही आज माहौल कैसा भी है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आप जो मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।